हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सेट चैप्टर के लिए वेन डायग्राम और एप्लीकेशन टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग डिफरेंट ऑपरेशंस ऑफ सेट पढ़ चुके हैं और उस पर कुछ क्वेश्चंस लगा भी चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि वेन डायग्राम क्या होता है। देखिए, दो मैथमेटिशियंस वेन और आयलर ने सेट को विजुअली रिप्रेजेंट करने का एक तरीका खोजा था और इसी मेथड को हम लोग कहते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से जो सेट के ऑपरेशंस हैं उनको हम लोग बहुत इजीली दिखा सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर वेन डायग्राम अगर हम लोग फॉर्म करते हैं तो एक रेक्टेंगल बनाते हैं और जो रेक्टेंगल होता है वह यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर देखिए, बाकी जो सेट्स होते हैं उनको आप सर्किल से या फिर ट्रायंगल से बनाते हैं, फिलहाल हम लोग सर्किल से बना रहे हैं। तो ये देखिए, ये जो सर्किल है पहला, वह सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप ए यहाँ पर या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं। सर्किल दूसरा है, वह सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए, जो रीजन हमने सेडेड किया है उसको ध्यान से देखिए, यह पूरा वह पार्ट है जो ए या बी ऑक्यूपाई किया हुआ है। मतलब यह जो पार्ट है वह ए या बी या दोनों से ऑक्यूपाइड है। तो ये जो सेडेड रीजन है वह रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी को। इसका मतलब ये जो डायग्राम फर्स्ट डायग्राम है उसमें सेडेड रीजन ए यूनियन बी से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए जो सेकेंड डायग्राम है यहाँ पर, देखिए पहला सेट है उसको ए से दिखा दिया, दूसरा सेट बी से दिखाया है। अब देख रहे हैं कि ये जो सेडेड हमने किया है वह एक ऐसा रीजन है जो ए एंड बी दोनों में है, मतलब दोनों का कॉमन रीजन है, इसलिए यह ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ये तीसरा डायग्राम देखते हैं। आप देख पा रहे हैं कि पहला सेट ए है, दूसरा सेट बी है, और जो यह सेडेड रीजन है वह एक ऐसा पोर्शन है जो बिलोंग कर रहा है ए में बट नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब ऐसा पार्ट है जो ओनली ए में है। तो यह जो रीजन है, यह सेडेड रीजन है, यह रिप्रेजेंट कर रहा है ए माइनस बी को, ठीक है। तो हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी और ए माइनस बी देख पाए। आगे देखते हैं, देखिए ये जो डायग्राम है, यह जो सेडेड रीजन है वह ए माइनस बी को बता रहा है उसी वे में, और यह जो सेडेड रीजन है वह बी माइनस ए को बता रहा है। दोनों को हमने लिया है, यह दोनों इंक्लूड किया है, तो यह बता रहा है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो जब ऑपरेशन ऑफ सेट हम बता रहे थे तो वहाँ पर ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बताया था, मतलब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में ऐसे एलिमेंट होते हैं जो ओनली वन में होते हैं, या ए में हो या केवल बी में हो, ठीक है। यह देखते हैं, देखिए यह पूरा जो रीजन है वाइट पोर्शन वह सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो हमने सेडेड किया है वह ए के अदर जो रीजन है उसको सेडेड किया है, मतलब यू का तो पोर्शन है ए का नहीं। मतलब कह सकते हैं जो सेडेड रीजन है वह यू माइनस ए को बता रहा है, और फाइनली इसी को हम लोग कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब यू का रीजन जो ए में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो यह डायग्राम इस बात को इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए, एक सेट हमने ए लिया है और इसके अंदर एक सेट बी बनाया है, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो बी है वह ए का पार्ट ही तो है, इसका मतलब यह रीजन जो है बी सबसेट ऑफ ए इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और देखते हैं, देखिए यह डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं, एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन फाई है। तो इन दोनों सेट को हम लोग कहेंगे कि यह डिसजॉइंट सेट है। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि जो वेन डायग्राम है, अब उसको डिस्कवर किसने किया था, वेन एंड आयलर ने, दो मैथमेटिशियंस ने किया था, इसलिए इसको वेन आयलर डायग्राम या आम तौर पे हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं। यह क्या है, यह सेट के ऑपरेशंस या सेट को समझने का विजुअल अप्रोच है जिससे हम लोग बहुत इजीली समझ पा रहे हैं कि यह सेट के ऑपरेशंस किस तरीके से परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग अभी यह सीख पाए कि वेन डायग्राम क्या हो। अब हम लोग सेट के एप्लीकेशन टाइप के क्वेश्चंस करेंगे और उसके लिए हम फिलहाल हम लोग कुछ रिजल्ट्स देखेंगे, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने यह यूनिवर्सल सेट बनाया है और दो सेट ए और बी लिखा हुआ है। अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, मतलब यह ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यन ए यूनियन बी से। तो कितने हैं भाई, देखिए पूरे ए के मेम्बर ले लीजिए यन ए, पूरे बी के मेंबर ले लीजिए एन बी। अब देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है यह दो दो बार आ गया ना भाई, तो एक बार इसको आप रिड्यूस कर देंगे
तो एक रिजल्ट हम बना पाएंगे एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। देखिए दूसरा रिजल्ट देखते हैं। देखिए यह जो पोर्शन है इस पोर्शन को आप कहेंगे ए माइनस बी, तो कभी आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी निकालना है तो पूरा ए ले लीजिए, है ना, और इसमें से यह जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है उसको माइनस कर दीजिए। तो एक रिजल्ट हम लोग और बना पाए एन ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ए माइनस बी। ठीक है, जो देखिए तीसरा जो रिजल्ट है वह तीन सेट के यूनियन के लिए है और यह इसी को यूज करके डिराइव किया गया है, तो आप इसको अगर चाहें तो इसको यूज करके तीन सेट के लिए इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए कुछ पॉइंट्स और हैं जिसको आपको ध्यान देना है। देखिए लिखा हुआ है कि जो यूनियन सिंबल है उसका मतलब आर होता है, आइदर आर होता है या एटलीस्ट होता है, एटलीस्ट वन होता है। तो अगर कहीं सेंटेंस में आपको आर मिले, आइदर आर मिले या एटलीस्ट वन मिले तो आप वहाँ पे समझेंगे कि यूनियन सिंबल को यूज करना चाहिए। अभी हम लोग प्रॉब्लम जब डिस्कस करेंगे तो इस पॉइंट पे फिर से आएंगे। अब देखिए इंटरसेक्शन जो है उसका यूज कब है, जब सेंटेंस में एंड हो, आल हो, बोथ हो, इस तरह की बातें हो तो हम लोग इंटरसेक्शन यूज करेंगे। इसको भी हम लोग अभी प्रॉब्लम वाइज डिस्कस करेंगे तो क्लैरिटी आएगी। और ध्यान दीजिए कभी आपको लिखना है नाइदर ए नार बी, मतलब क्या ए भी नहीं एंड बी भी नहीं, तो आप इसको लिखेंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश मतलब ए नहीं एंड बी नहीं। और अगर कहीं पे आपको ए बट नॉट बी लिखना है, मतलब ओनली ए लिखना है, इसका मतलब क्या है कि ए में है एंड बी में नहीं, तो इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे ए माइनस बी से। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स देखे हैं और कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिसको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लगाते वक्त हम लोग ध्यान में रखेंगे। फिलहाल एक एग्जाम्पल लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर ये दिया हुआ कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 100 और एन ए गिवेन है 50, एन बी गिवेन है 70 और इसके बाद यहाँ पर एन ए इंटरसेक्शन बी जो है वह फाइंड करना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, यूनियन में कितने मेंबर हैं 100, बी सेट में कितने मेंबर हैं 70, ए में कितने मेंबर हैं 50 और इंटरसेक्शन में कितने मेंबर्स होंगे यह फाइंड करना है। तो अब ध्यान दीजिए, देखिए इन सब से रिलेटेड यह रिजल्ट हम लोग के पास है ना, यह तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। देखिए यूनियन में कितने मेंबर हैं 100, ए में कितना मेंबर है 50, बी में कितने मेंबर है 70 और एन ए इंटरसेक्शन बी हम लोग को फाइंड करना है। तो देखिए इसको अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, एन ए इंटरसेक्शन बी आप लेट में लाइए तो 50 प्लस 70 120 माइनस 100 तो 20। तो हम लोग क्या फाइंड कर पाए कि ए इंटरसेक्शन बी में 20 मेंबर हैं। तो देखिए यह जो रिजल्ट्स हैं इनको हम लोग अप्लाई करते हुए अब एप्लीकेशन टाइप के वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक, एक को वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और इसको वेन डायग्राम के थ्रू लगाते हैं। तो अब ध्यान दीजिए प्रॉब्लम क्या है, लिखा गया है कि इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड 29 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी। आगे कहा गया इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी एंड इट लाइक्ड ऑल द थ्री प्रोडक्ट्स। तो पूछा गया हाउ मेनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली, मतलब कितने ऐसे लोग हैं जो केवल सी प्रोडक्ट लाइक करते हैं। तो देखिए पहले हम यहाँ पे तीन सेट की बात करेंगे। ए का मतलब आप समझिए कि वैसे पीपल का सेट जो प्रोडक्ट ए लाइक करते हैं, बी का मतलब समझिए कि ऐसे पीपल का सेट जो प्रोडक्ट बी लाइक करते हैं और सी का मतलब समझिए ऐसे पीपल जो प्रोडक्ट सी लाइक करते हैं। अब जो इंफॉर्मेशंस है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया कि ए लाइक करने वाले 21 हैं तो एन ए बराबर 21 हो गया, बी लाइक करने वाले 26 हैं तो एन बी बराबर 26 हो गया, सी लाइक करने वाले यहाँ पर 29 है तो यह हो गया, ए एंड बी लाइक करने वाले 14 हैं, है ना, तो लिख लिया, सी एंड ए लाइक करने वाले 12 है लिख लिया। और ये बताया था कि एंड के लिए हम लोग इंटरसेक्शन यूज करते हैं और 14 ऐसे हैं जो बी और सी लाइक करते हैं वो लिख लिया,
और तीनों प्रोडक्ट आल के लिए हम लोग इंटरसेक्शन यूज करते हैं, तो एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 8। पूछा गया हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली प्रोडक्ट सी, ओनली सी का मतलब क्या, सी बट नॉट ए बट नॉट बी, तो इसका मतलब है कि एन सी इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्वेश्चन मार्क। देखिए जो क्वेश्चन है इसको हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू लगा रहे हैं, बिना वेन डायग्राम के भी लगा सकते हैं, तो फिलहाल हम लोग इसको वेन डायग्राम से लगा रहे हैं और हम आपको दो तरीके बताएंगे, एक बहुत शॉर्टकट मेथड जिसमें आप आंसर बहुत जल्दी क्विकली पा सकते हैं और एक तरीके से आप डिस्क्राइब करके भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग शॉर्टकट तरीके से इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे कहा गया कि ए में जो है 21 है, तो अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं पता है ना, तो हम लोग 21 नहीं फिल कर पाएंगे, तो जहाँ सर्टेनिटी होगी उसी को फिल करेंगे। तो देखिए उसको कैसे फिल करेंगे, देखिए तीनों में 8 है ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो तीनों का रीजन पहले यहाँ पे फिल कर दीजिए, यह देखिए 8 हो गया। अब उल्टा आगे बढ़िए, बी एंड सी में 14 है, तो देखिए यह बी है और यह सी है, तो यह बी एंड सी 14 है, 8 ऑलरेडी फिलअप है, तो 6 लिख दिया 14 हो गया ना। अब आगे बढ़िए, देखिए सी इंटरसेक्शन ए में 12 है, चलिए यह सी है और यह ए है, इसके इंटरसेक्शन में 12 है, मतलब इस रीजन में 12 है, तो ऑलरेडी 8 फिलअप है, तो इसका मतलब यहाँ पर 4 हो गया। और आगे बढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन बी में 14 है, देखिए यह ए है या बी है, तो इसमें 14 है ना, 8 है तो ऑब्वियसली यहाँ पर कितना होगा 6। अब उसके बाद देखिए आगे बढ़िए, सी में 29 है, यह पूरा मिला करके 29 है, तो अब देखिए 29 में क्या फिलअप है, 4, 6, 10, 18 और 29 है, इसका मतलब यहाँ पे बच गया 11। अगर हमारा आंसर तो खैर आ गया है, बाकी एंट्री भी आप फिल करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए बी में 26 है, इसका मतलब कितना 6 और 8 और 6, तो 20 हो गया, देखिए 6 और 8 14 प्लस 6 20, जबकि बी में 26 है तो 20 और यह 6 जो बच गया यहाँ पर। ए में 21 है, देखिए 4 प्लस 8 12 12 प्लस 6 18 21 है तो 3 है ना, फिर से देखिए 14 और प्लस 18 और 3। अब देखिए हमको कौन सा रीजन चाहिए था, हमको चाहिए ओनली सी, ऐसा पोर्शन जो केवल सी में हो, मतलब सी में हो एंड ए और बी में नहीं हो, तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यह रीजन यही दिख रहा है ना, तो हम लोग का जो रिक्वायर्ड आंसर था ए सी इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यह हम लोग पॉइंट कर पाए कितना 11। तो आप क्या देख रहे हैं कि वेन डायग्राम के थ्रू बहुत ईजिली जो है हम लोग यहाँ पर आंसर पा पाए, यह पा गए कि जो ओनली सी यूज करने वाले जो लोग हैं वह 11। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को थोड़ा डिस्क्राइब करके लगाएंगे, तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग यह डायग्राम बना लिया, सेट ए सेट बी सेट सी और जो इन्फॉर्मेशंस है उसको हम लोगों ने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है। अब यहाँ पे देखिए आप क्या करिए कि अल्फ़ाबेट सम में लिख दीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, जितने भी रीजन हैं सब में हमने अल्फ़ाबेट लिख दिया। अब इसके बाद देखिए जहाँ पे सबसे सर्टेनिटी है वहाँ से शुरुआत करेंगे, यहाँ से लोग शुरुआत करते हैं ना, यह तो देखिए यहाँ पर क्या है, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 8, फिलहाल वह ए है तो इसका मतलब ए की वैल्यू हो गई 8। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए एन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 14, अब देखिए बी इंटरसेक्शन सी को देखिए क्या है, इसमें यह बी है और यह सी है, तो देखिए ए प्लस बी है, ए प्लस बी बराबर 14। अब यहाँ पर देखिए एक ही वैल्यू रख दीजिए, 8 प्लस बी इज इक्वल टू 14, इसका मतलब बी की वैल्यू हो गई 6, ठीक है। अब उसके बाद देखिए और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है, यह हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग देखते हैं आगे, यहाँ पर देखिए सी इंटरसेक्शन ए 12 है, तो यन सी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 12, तो देखिए सी इंटरसेक्शन ए देखिए यह ए है ना यह सी है, तो ए प्लस सी बराबर 12 और ए की वैल्यू आप 8 लाए हैं, तो ए 8 प्लस सी इज इक्वल टू 12, तो सी इज इक्वल टू 4, तो हम लोग सी की वैल्यू पा गए। अब देखिए और आगे बढ़िए, यहाँ पर एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 14, अब देखिए यह ए है और यह बी है, तो यह हो गया ए प्लस डी इज इक्वल टू 14, ए की जगह 8 रख दिया, डी इज इक्वल टू 14 यानी डी इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखिए एन सी कितना है 29, अब हम लोग एन सी की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर
तो फिगर में क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस जी बराबर 29। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 8 फाइंड किए थे, बी की वैल्यू हम लोग 6 फाइंड किए हैं, सी की वैल्यू 4 पॉइंट किए हैं, जी इज इक्वल टू 29। तो अब यहाँ पे देखिए जी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 प्लस 6 14 18 और 18 माइनस हो गया जी की वैल्यू 11। देखिए हमको जो रिक्वायर्ड था वो जी था ना, ओनली सी, मतलब सी में है एंड ए बी में नहीं है, तो हम वह पा गए, क्या पा गए, सी इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब सी में है एंड बी में नहीं है, मतलब सी में है ए में नहीं है एंड बी में नहीं है, दिस इज इक्वल टू 11। देखिए बाकी भी वैल्यूज़ आप निकाल सकते हैं, चूँकि हम लोग का काम हो चुका है तो हम लोग आगे वैल्यू फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए जो पिछले तरीके से और ये लगाया, बेसिकली दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एक में हम लोगों ने डायरेक्ट लिखा और दूसरे में हम लोगों ने डिस्क्राइब करके लिखा। तो ये जो क्वेश्चन है अब हम लोग यहाँ पर वेन डायग्राम के थ्रू लगा पाए, जो इतने भी एप्लीकेशन के क्वेश्चन हैं आप उसको फॉर्मूले से जो रिजल्ट हमने लिखवाया या फिर वेन डायग्राम से जिससे सुविधा हो आप उससे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज क्या सीखा कि वेन डायग्राम क्या है और एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से अटेंड करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और भी न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए तो किसी भी बुक के क्वेश्चंस अगर आप लगाना चाहें और उसके पहले या एग्जांपल को आप समझ लिए हैं तो सभी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। उसके बाद भी अगर आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ईमेल आईडी है, आप उस पर कॉन्टेक्ट करेंगे तो हम एक वीडियो अलग से जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए बना देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मैथ स्काई के साथ पढ़ते रहिए सीखते रहिए, थैंक यू।